Hello everyone, happy Sunday. And if you are new to this channel, then let me introduce myself. I am Srishti, a secondary MBBS student from AIIMS Rishikesh, and I post videos on every Sunday at 4 p.m. based on my medical college, my life and productivity. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आप अभी है ऋषिकेश में और ऋषिकेश में अभी सुबह की 6 बज रहे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ विच इंक्लूड स्टडिंग, रूम क्लीनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मच मोर. सो कम एंड लेट्स मेक दिस डे प्रोडक्टिव टुगेदर. सो द फर्स्ट रूल ऑफ बींग प्रोडक्टिव इज टू हैव अ क्लियर माइंड सेट ऑफ वट ऑल द थिंग्स विल बी डूइंग इन द एंटायर डे. सो विल बी स्टार्टिंग आवर डे बाय क्लीनिंग अप आवर हॉस्टल रूम. क्योंकि आप जिस रूम पे रहने वाले हो अगर वही साफ नहीं रहेगा तो माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा एंड विल बी लेस प्रोडक्टिव. सो मैं अपना दिन का शुरुआत करूंगी अपना रूम का सफाई करके. और शुरू में मैंने किया बेडशीट और पिलो कवर चेंज और बहुत सुंदर से बेड बनाया. और उसके बाद मेरे चेयर में कपड़ों का जो पहाड़ इकट्ठा हुआ है मैं अभी उसको तोड़ने जा रही हूँ. तो कल शाम को ही लॉन्ड्री वाले दीदी ने बहुत सारे कपड़े धोके देके गए थे, मैंने उसको भी चेयर में रख दिया था. तो अभी मैं पहले उसको अलमीरा में रख रही हूँ और उसके बाद जो कपड़े मुझे धोने के लिए देना है मैं अलग करके रख रही हूँ और जो साफ कपड़े है वो मैं अलमीरा में समेट के रख रही हूँ. उसके बाद मैंने किया अपना स्टडी टेबल को साफ, जहाँ पे मेरे लिए मेरा स्नैक्स आइटम ही बिखरा हुआ है और कुछ पैकेज आइटम है जिसका पैकेज को डस्टबिन तक जाने का सौभाग्य नहीं. फिर सारे गंदे कपड़े को लॉन्ड्री बैग में डाल दिया और थोड़ा झाड़ू भी लगा दिया क्योंकि दोपहर को अच्छे से सफाई करने के लिए हाउसकीपिंग वाले दीदी आएंगे. तो मेरा रूम क्लीनिंग डन एंड इट्स ऑलरेडी 6:45 नाउ. सो अभी मुझे जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होना है. सो अभी मैं नहा के अपने स्क्रब सूट डाल लिया क्योंकि अगर तुम लोगों को पता हो कि हमारे कॉलेज में सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए वो है ग्रे स्क्रब सूट. उसके बाद मैंने किया थोड़ा स्किन केयर और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाइट कोट डालने के बाद मैं रेडी हो गई. हेलो एवरीवन, इट्स 7:20 नाउ और अभी तक मैं अपना रूम क्लीन कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और कॉलेज के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ. तो चलो जल्दी जल्दी कॉलेज चल रहे क्योंकि अभी हमारे 8 से 9 बजे तक क्लास और उसके बाद 9 से 12 की पोस्टिंग. तो बहुत काम है पूरे दिन में. सबसे इम्पोर्टेंट आईपैड, इतने सारे बुक्स, इतने सारे कॉपीज हम नहीं ले सकते. अभी मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ क्लासेस के बीच में. अगर कॉलेज में मिलते, चलो टाटा. सो आज 8 से 9 बजे माइक्रोबायोलॉजी के क्लास है जहाँ पे वायरोलॉजी चल रहा है और आज का टॉपिक है हर्पीज वायरस के डिजीजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस एंड वैक्सीनेशन. और हर्पीज वायरस के सबसे कॉमन डिजीज है चिकन पॉक्स, जो हम में से हर किसी को एक ना एक बार तो बचपन में हुआ ही होगा. और क्लास में मैं बुक से भी थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया ताकि रिविजन करना इजीली हो जाए. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. सो नेक्स्ट इज आर CFM पोस्टिंग जो 3 घंटे का होता है 9 से 12 बजे तक. एंड ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट इंटरेक्टिव पोस्टिंग ऑफ आवर MBBS लाइफ. और आज हमारे पोस्टिंग में है रोल प्रेजेंटेशन ऑन गैदर अप्रोच, जहाँ पे मैं एक डॉक्टर के रोल प्ले कर रही हूँ एंड माई 2 फ्रेंड्स सूरज एंड सार्थक आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ न्यूली मैरिड कपल, जो लोग मेरे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में कंसल्ट करने के लिए आए हैं. एंड उसके बाद हुआ फोकस ग्रुप डिस्कशन ऑन हेपेटाइटिस, विच वॉज रियली इंटरेक्टिव क्योंकि इसमें हम अलग अलग टॉपिक पढ़ के एक दूसरे को समझाया. और 12 बजे पोस्टिंग खत्म होने के बाद हमारी फिर से और एक क्लास होता है 12 से 1 बजे तक, जहाँ पे आज हमारा क्लास है फार्माकोलॉजी का ऑन हाइपरटेंशन, जहाँ पे हमको हाइपरटेंशन के टाइप्स, ड्रग्स, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ पढ़ाया. और ताकि मुझे लॉस्ट ना फील होना पड़े इसलिए मैं कल ही इस टॉपिक को पढ़ रखी थी, तो सर ने जो भी एक्स्ट्रा बताया मैंने अपने नोट्स पे ऐड किया. और फिर 1 बजे क्लास खत्म होने के बाद हम जल्दी जल्दी आके लंच किया क्योंकि 1 बजे तक क्लासेस करने के बाद बहुत जोर से भूख लगती. तो अभी 1:30 बज रहा है और हमारा लंच भी हो चुका है, तो अभी हम फिर से कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स का टाइमिंग है 2 to 4. और 1:30 बजे कॉलेज पहुंचने के बाद हम चले गए लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस उसको एक बार बुक से पढ़ लिया ताकि जब क्लास में पढ़ाए तब इजीली समझ आ जाए. सो अभी हमारा चल रहा है 2 to 4 बजे का प्रैक्टिकल क्लास, पर आज सभी बिजी है ओलंपिक्स का मैच देखने क्योंकि आज इंडिया खेल रहा है. और 4 बजे प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टली हॉस्टल वापस आ गई एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी क्योंकि मैंने बहुत सारे पढ़ाई किया पूरे दिन और मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है. पर 4 बजे तक आते आते मैंने थोड़ा थक गई हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज किया और घर के कपड़े डाले. एंड नाउ द सेकेंड रूल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अपने दिन को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करो और हर एक स्लॉट में कुछ काम रखो. और जब एक स्लॉट खत्म हो जाए तो अपने आप को रेस्ट दो ताकि अगले स्लॉट तुम फ्रेश होकर शुरू कर पाओ. Cause you're not here, it's been way too long.
सो इट्स 5:30 और मैं उठ गई एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश, जैसे कि मेरा दिन का शुरुआत फिर से हो रहा है. और अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी, सो गेट रेडी विथ मी टू गो टू लाइब्रेरी. और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि आज ही मैंने लाइब्रेरी में लाइव स्टडी विथ मी सेशन किया था. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम लोगों को और भी ऐसे स्टडी विथ मी सेशंस चाहिए. फिर मैं आईपैड लिया क्योंकि उसमें ही सारे बुक्स और नोट्स है. हेडफोन्स लिया क्योंकि लाइब्रेरी में जोर जोर से लेक्चर तो चला नहीं सकते. एक फुल स्लीव शर्ट लिया क्योंकि इससे में बहुत ठंडा होता है लाइब्रेरी में. 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच के मैं पढ़ना शुरू किया और आज मैं पढ़ रही हूँ न्यू प्लेजिया क्योंकि हमारे 12th को इस टॉपिक के ऊपर मंथली असेसमेंट है. ऐसे 7 बजे तक पढ़ने के बाद 7 से 8 बजे तक मैं लाइव स्टडी विथ मी सेशन किया यूट्यूब में. उसके बाद फिर से मैं 8 से 9:30 बजे तक नोट्स रिवाइज किया और बुक से भी पढ़ा. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. अभी अभी 23 और 21 बैच का प्रॉफ्स खत्म हुआ है इसलिए आज लाइब्रेरी काफी खाली था. और 9:30 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद मुझे बहुत भूख लगा है और मेरा दिमाग भी पूरे दिन पढ़ने के बाद बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी डिनर करने मेस जा रही हूँ. सो पहले मैं रूम आके ड्रेस चेंज किया और उसके बाद मैं मेस गई. और मेस में आज बना था आलू जीरा जो मैं पहले तो कभी नहीं खाई थी, पर नॉर्थ इंडिया में आने के बाद मैं बहुत फ्रिक्वेंटली खा रही हूँ. और डिनर करके रूम जाने के बाद मैं अपने संडे व्लॉग का वॉइस ओवर और एडिटिंग करना शुरू किया. सो इसी के साथ हमारा प्रोडक्टिव डे होता है खत्म एंड नाउ आई एम फीलिंग सो सैटिस्फाइड. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि पूरे वीडियो में तुम लोगों को कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय. You remember that night we met.